मेक्सिको अजूबों का देश है, धूप, समंदर और लजीज खाना। लेकिन ओक्साका में छुपा है कुछ बहुत ही खास। ये एक पेड़ है, कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़, आर्बोल डेल टूले। नमस्ते, मैं मिसी हूँ। मुझे घूमना और नई जगह देखना बहुत पसंद है। आज मैं आपको मेक्सिको के ओक्साका ले जा रही हूँ कुछ अविश्वसनीय देखने के लिए। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। आर्बोल डेल टूले एक मोंटेजुमा साइप्रेस का पेड़ है। ये बहुत बड़ा है। जरा सोचो, एक पेड़ इतना बड़ा कि उसे घेरने के लिए 50 से ज्यादा लोगों को हाथ पकड़कर खड़ा होना पड़े। ये पेड़ इतना चौड़ा है। आर्बोल डेल टूले, जिसे अक्सर द ट्री ऑफ टूले के नाम से जाना जाता है, ओक्साका, मेक्सिको के सांता मरिया डेल टूले में स्थित है। ये पेड़ न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी उम्र भी इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ लगभग 1500 से 3000 साल पुराना हो सकता है। इस पेड़ की चौड़ाई इतनी है कि इसे घेरने के लिए 50 से अधिक लोगों को हाथ पकड़कर खड़ा होना पड़ता है। इसकी परिधि लगभग 42 मीटर है और इसका व्यास लगभग 14 मीटर है। यह पेड़ इतना विशाल है कि इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ माना जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई भी कम नहीं है, ये लगभग 35 मीटर ऊंचा है, जो इसे एक विशालकाय बनाता है। इसकी शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि यह एक छोटे जंगल जैसा दिखता है। आर्बोल डेल टूले का वैज्ञानिक नाम टैक्सोडियम न्यूटोनाटन है और यह मोंटेजुमा साइप्रेस प्रजाति का हिस्सा है। यह पेड़ न केवल अपने आकार और उम्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय लोग इस पेड़ को एक पवित्र पेड़ मानते हैं और इसे बहुत सम्मान देते हैं। हर साल हजारों पर्यटक इस पेड़ के देखने आते हैं और इसकी विशालता और सुंदरता का आनंद लेते हैं। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां और मिथक भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पेड़ एक प्राचीन देवता का आकार है, जबकि अन्य लोग इसे एक जादुई पेड़ मानते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र की रक्षा करता है। आर्बोल डेल टूले का इतिहास भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि यह पेड़ लगभग 1400 साल पहले एक प्राचीन ज़ापोटेक पुजारी द्वारा लगाया गया है। तब से यह पेड़ बढ़ता रहा और आज यह एक विशालकाय बन गया है। इस पेड़ की देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वे इसे पानी देने, इसकी शाखाओं की देखभाल करने और इसे किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आर्बोल डेल टूले न केवल एक पेड़ है, बल्कि यह एक जीवित इतिहास है। यह हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी शक्ति की याद दिलाता है। यह पेड़ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और विशालता का आनंद ले सकें। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह पेड़ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि इसे एक पुजारी ने लगाया था। ये पेड़ ताकत और लंबी उम्र का प्रतीक है। यह पेड़, जिसे आर्बोल डेल टूले के नाम से जाना जाता है, एक अद्वितीय और विशाल पेड़ है। इसकी शाखाएं और पत्तियां इतनी घनी हैं कि यह एक छोटे जंगल जैसा प्रतीत होता है। यह पेड़ न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी उम्र भी इसे विशेष बनाती है। माना जाता है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ें इस भूमि की गहराई में फैली हुई है। सांता मरिया डेल टूले नाम के एक छोटे से शहर में है। ये शहर मेक्सिको के ओक्साका राज्य में स्थित है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस शहर का मुख्य आकर्षण यही विशाल आर्बोल डेल टूले है, जो हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर का नाम कैसे पड़ा होगा? दरअसल इस शहर का नाम इसी पेड़ के नाम पर रखा गया है। टूले एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ है बड़ा पेड़। इस पेड़ की विशालता और इसकी ऐतिहासिक महत्ता ने इस शहर को एक विशेष पहचान दी है। इस शहर को इस अद्भुत पेड़ का घर होने पर गर्व है। यहाँ के लोग इस पेड़ को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यह पेड़ न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ पर अक्सर त्योहारों और समारोहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस पेड़ की पूजा और सम्मान किया जाता है। इस पेड़ के चारों ओर का वातावरण हमेशा जीवंत और खुशहाल रहता है। पर्यटक यहाँ आकर इस पेड़ की छांव में बैठते हैं, इसकी विशालता को निहारते हैं और इसके साथ तस्वीरें खींचवाते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। इस पेड़ की कहानी भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि इस पेड़ को एक प्राचीन पुजारी ने लगाया था
और तब से यह पेड़ यहाँ खड़ा है, समय के साथ और भी विशाल और मजबूत होता गया है। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह पेड़ हर मौसम और हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। सेंटा मरिया डेल टूले का यह पेड़ न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह इस शहर की आत्मा और पहचान भी है। यहाँ के लोग इस पेड़ को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसे अपनी देवता के रूप में समझ रखते हैं। इस पेड़ के चारों ओर का वातावरण हमेशा जीवन और खुशहाल रहता है। पर्यटक यहाँ आकर इस पेड़ की छाव में बैठते हैं, इसकी विशालता को निहारते हैं और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। इस पेड़ की कहानी भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि इस पेड़ को एक प्राचीन पुजारी ने लगाया था और तब से ये पेड़ यहाँ खड़ा है, समय के साथ और भी विशाल और मजबूत होता गया। इस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये पेड़ हर मौसम और हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। सांता मरिया डेल टूले का यह पेड़ न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह इस शहर की आत्मा और पहचान भी है। यहाँ के लोग इस पेड़ को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं और इसे अपनी धरोहर के रूप में संजोते हैं। लोग सैकड़ों सालों से इस पेड़ को देखने आ रहे हैं। वे इसकी विशालता और सुंदरता देखने आते हैं और इसकी शांतिमय ऊर्जा को महसूस करने भी आते हैं। कुछ लोगों को पेड़ के तने में अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनी होती हैं और इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये पेड़ एक रहस्य की तरह है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्हें जानवर, चेहरे और एक शेर भी दिखाई देता है। यह आकृतियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि इन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह आकृतियां किसी जादू के कारण बनी हैं, जबकि अन्य लोग इसे प्रकृति का अद्भुत खेल मानते हैं। एक आकृति को पेचोचा कहा जाता है, जिसका मतलब स्पेनिश में ब्रेस्ट होता है। यह आकृति सबसे ज्यादा चर्चित है और इसे देखने के लिए लोग विशेष रूप से आते हैं। पेचोचा की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह आकृति एक प्राचीन देवी की है जो इस पेड़ में समाहित हो गई थी। पेड़ में आकृतियां ढूंढना मजेदार है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। बच्चे, बड़े, सभी इस पेड़ के पास आकर इसकी आकृतियों को ढूंढने में मग्न हो जाते हैं। ये पेड़ एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम करता है, जहां हर कोई अपनी कल्पना के अनुसार आकृतियों को देखता है और उनकी कहानियां बनाता है। इस पेड़ के पास अक्सर परिवार पिकनिक मनाने आते हैं। लोग यहाँ आकर तस्वीरें खींचते हैं और इन आकृतियों के साथ अपनी यादें संजोते हैं। यह पेड़ एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। पेड़ की छाल पर बनी इन आकृतियों को देखकर लोग अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं। बच्चे इन आकृतियों को देखकर उन्हें कागज पर उतारते हैं और अपनी कला को निखारते हैं। यह पेड़ एक तरह से कला और प्रकृति का संगम है, जो हर किसी को प्रेरित करता है। शाम के समय यह पेड़ और भी खूबसूरत लगने लगता है। सूरज की किरणें जब इस पेड़ पर पड़ती हैं, तो इसकी आकृतियां और भी स्पष्ट हो जाती हैं। लोग इस समय यहाँ आकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हैं और अपने दिन का समापन करते हैं। रात के समय यह पेड़ चांदनी में नहाया हुआ सा लगता है। कुछ लोग यहाँ कैंपिंग करने भी आते हैं और रात भर इस पेड़ के पास रहकर इसकी कहानियों को सुनते हैं। यह पेड़ एक तरह से लोगों के लिए एक रहस्यमय और रोमांचक अनुभव बन जाता है। पेचोचा की आकृति इस पेड़ की सबसे खास बात है। लोग इसे देखकर अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं और इसे एक अद्भुत चमत्कार मानते हैं। यह पेड़ और इसकी आकृतियां लोगों के दिल में एक खास जगह बना चुकी है। इस पेड़ की कहानी और इसकी आकृतियां लोगों को हमेशा याद रहेंगी। यह पेड़ एक तरह से लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जो उन्हें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। पेचोचा की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी। आर्बोल डेल टूले एक संरक्षित पेड़ है। लोग इसे स्वस्थ रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक अजूबे का आनंद लें। सांता मरिया डेल टूले के लोग अपने पेड़ पर गर्व करते हैं। वे इसकी देखभाल करते हैं और इसकी कहानी आगंतुकों के साथ साझा करते हैं। वे इस विशालकाय पेड़ के सच्चे रक्षक हैं। हमारी दुनिया अद्भुत चीजों से भरी है, जैसे कि आर्बोल डेल टूल। यह हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। आइए हम इन खजानों की रक्षा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्बोल डेल टूल की हमारी यात्रा पसंद आई होगी। अभी और भी बहुत से एडवेंचर बाकी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ दुनिया को एक्सप्लोर करें।